नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आज फिर मैं लेकर के हाजिर अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्त्री रचना के बारे में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब क्या कुछ अजीब हुआ था। इस दुनिया की सबसे अजीब और कठिन पहेली महिलाएँ हैं। कहते हैं कि लड़की यानी कि स्त्री को समझना बहुत ही मुमकिन है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री को समझना नामुमकिन है। लोग कहते हैं कि स्त्री को बनाने वाला भगवान भी नहीं समझ सकता है, और ऐसा माना जाता है कि इसे समझना और सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके लिए ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भगवान ने बहुत ही फुर्सत से इसकी रचना की थी, और रचना करते करते इतना समय लग गया कि देवदूत भी भगवान से सवाल कर जवाब मांगने लगे कि भगवान, आखिरकार स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उनको रचना करने में 7 दिन लग गए थे, और इसके बाद भी रचना चलती रही थी लेकिन पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो भगवान को इतना समय लग रहा है। अब आप भी इन सब दिलचस्प सवालों का जवाब जानने के लिए और भगवान के देवदूत के बीच क्या हुआ और भगवान ने उनका जवाब क्या दिया, तो आइए जानते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। बहुत सी पहेलियां आज भी मौजूद हैं जिसकी कोई जवाब नहीं, जैसे संसार में स्त्री पहले आई या पुरुष। इस पहेली का जवाब किसी के पास भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उन्होंने बहुत समय लिया, और भगवान के साथी यानी देवदूत जी भगवान से प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, पर स्त्री को बनाया आपने बड़ी मुश्किल से। आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रहा है? इसे बनाते वक्त आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? देवदूत के इन सवालों को भगवान ने कुछ ऐसे जवाब दिया जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देवदूत ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लिया, आखिरकार इसका कारण क्या है? तो जवाब में भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया, देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? जिसकी मैं रचना कर रहा हूं, ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी डिगती नहीं है, हमेशा और हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सबको खुश रखती है। इसका गुण इतना अच्छा है कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस स्त्री की रचना में इतना समय लग रहा है, वो न केवल अपना ख्याल खुद रखती है, बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटों तक काम करने की क्षमता रखती है। तो देवदूत, तुम बताओ, जिस स्त्री की रचना कर रहा हूँ, इसमें समय लगना चाहिए या नहीं? देवदूत, इसमें इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और स्त्री का प्यार एक तरफ हो जाए, फिर भी स्त्री के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत जब भगवान की ये बातें सुना तो वह हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे, क्या ये सब केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल। इसी कारण तो ये मेरी सबसे अद्भुत और सबसे आश्चर्यमयी रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और उन्होंने उनके गाल पर हाथ लगाया, तो प्रभु से बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा।
लेकिन इस रचना में यही गुण है, जितने ज्यादा नाजुक है इससे नाजुक कोई रचना भी नहीं होगी और ये उतनी ही ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात ये कोमल है, लेकिन देवदूत इसको कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं, ये बहुत मजबूत रचना है। देवदूत इस रचना को लेकर बहुत उत्साहित होने लगे और वो उत्साहित होकर ये पूछ बैठे कि हे प्रभु, स्त्री कोई भी हो मजबूत हो लेकिन पुरुष से तो कमजोर ही होगी, और ये सोच भी सकती है तो भगवान ने हंसते हुए उनसे कहा था कि पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी है, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता के आगे पुरुष भी हार जाता है। और इसके साथ ही प्रभु ने ये भी कहा कि ये ना केवल सोच सकती हैं बल्कि हर समस्या का बहुत ही अच्छी तरह से मुकाबला करने में भी सक्षम रहती हैं। इसके बाद देवदूत से भगवान ने और क्या कहा इसको जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और उन्होंने जो बताया वो जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्त्री के बारे में भगवान ने और क्या कुछ कहा। दरअसल हुआ ऐसा, जब देवदूत ने भगवान के द्वारा बनाई गई स्त्री रूपी रचना के पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये इस रचना के गालों पर पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है? भगवान ने कहा, देवदूत, ये आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरानी के साथ भगवान से पूछा, आंसू, पर वो किस लिए? इस सवाल के जवाब में भगवान ने क्या कहा वो आप भी सुनिए। भगवान ने कहा, जब कभी ये कमजोर पड़ने लगती है, जब भी इसको कुछ बुरा लगता है या सहन नहीं होता, तभी अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती है और इसके बाद फिर से मजबूत बन जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होता है। वही जब देवदूत कहते हैं ये तो फिर इसकी कमजोरी होगी, तब भगवान ने कहा, नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा, भगवान आप तो महान हैं, इस रचना को आपने सब कुछ सोच समझकर बनाया है, इस रचना में तो सब कुछ मौजूद है। इसके बाद भगवान कहते हैं, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर समझौता करेगी। इसके बाद देवदूत ने जब ये कहा, हे भगवान, इतने गुण होने के बाद तो आपकी रचना संपूर्ण हो गई, तो भगवान ने इस बात का जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें कमी है, और वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद अपना ही महत्व भूल जाया करती है, और ये कितनी खास है, इसमें क्या क्या गुण है इसको खुद पता नहीं होता, अपने आप को कभी भी साबित नहीं करती, सबके साथ अच्छा करती है लेकिन किसी से अपनी प्रशंसा और ना ही किसी से परोपकार की उम्मीद रखती है। औरत का जीवन भी क्या कोई जीवन है? हर दिन नया जीवन और नई शुरुआत, एक ही जीवन के कई कई रूप, और इन रूपों में डूबी औरत है। कहते हैं लोग, औरत को महान, क्या सच में कर पाते हैं उसका सम्मान? माँ बहन और बेटी न जाने कितने नाम, और इन सबके बीच औरत कहीं हो गई है गुमनाम। कोई एक रूप चुने कैसे संपूर्णता पर, ये प्रश्न चीज कैसा, हर रूप जीकर वो बनती है महान, अपने मूल रूप की ना कोई पहचान। निर्बल भी है, सबल भी है, वो ममता भरी भी है, मृदुल भी है, वो फिर भी है, वो अपने आप से अनजान। रिश्तों में समाई है उसकी जान, कहते हैं औरत है महान। वैसे भगवान के द्वारा बनाई गई इस रचना की कहानी को देखने के बाद आप भी समझ ही गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे वो माँ हो या फिर बहन हो या फिर पत्नी, उसका हर एक रूप परिपूर्ण है। इसलिए भगवान की बनाई इस रचना को आप भी पहचानिए और इसका सम्मान कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल,
और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।